साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद से ही 14 जून को लेकर अलग अलग तरह की बातें कही गई। डिप्रेशन की थ्योरी बताई गई, सुशांत को ड्रगी तक कह दिया और तो और सुशांत की अपनी बहनों को ही सुशांत के लिए जिम्मेदार बता दिया गया। मगर अब एक करीबी दोस्त ने सुशांत को लेकर, सुशांत की मौत को लेकर और रिया चक्रवर्ती को लेकर बेहद ही हैरान करने वाला खुलासा किया है। दोस्त का दावा है कि रिया चक्रवर्ती ने सुशांत को इंसान के जरिए नहीं बल्कि एक हैवान के जरिए मरवाया है और वो हैवान एक 17 साल का लड़का है। जी हाँ, इस दावे की पुष्टि हम नहीं करते मगर तमाम मीडिया रिपोर्ट्स और सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए हम आपको इस दावे की एक एक बात बताएंगे। अगर आप भी इस दावे से सहमत हैं तो अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें। तो सुशांत सिंह राजपूत की दोस्त स्मिता पारीख को आप सब जानते होंगे। स्मिता पारीख सुशांत की मौत के बाद से ही रिया के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करती रही हैं। वो कई टीवी न्यूज चैनल्स पर लाइव भी बैठी थी और उन्होंने कई हैरान करने वाली बातें पहले भी बताई थी और अब स्मिता ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए एक बार फिर से रिया को लेकर ऐसी बात कही है जो रिया के रहस्यमय अतीत की ओर इशारा करती है। स्मिता ने अपनी पोस्ट में कई दावे किए हैं। स्मिता का कहना है कि रिया सुशांत से पहले एक और एक्टर के साथ अफेयर में थी और रिया के शरीर में किसी और की आत्मा रहती है। जी हाँ, स्मिता का दावा है कि रिया के शरीर में किसी और की आत्मा रहती है। स्मिता का कहना है कि रिया के साथ वो आत्मा हमेशा रहती है और रिया से वो अच्छे बुरे हर काम करवाती है। स्मिता का दावा है कि रिया ने ही ये सारी बातें स्मिता को कई बार बताई है और कई और लोगों को भी इस बारे में रिया ने खुद ने बताया है। स्मिता ने कई अलग अलग सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए ये सनसनीखेज खुलासे किए हैं। तो आपको स्मिता की एक एक पोस्ट दिखाते हैं और बताते हैं स्मिता ने रिया को लेकर क्या क्या हैरान करने वाले दावे किए हैं। तो स्मिता ने अपने ट्विटर पर पहला ट्वीट करते हुए लिखा, सुशांत से मिलने से पहले रिया एक्टर आदित्य रॉय कपूर को डेट कर रही थी। जब उन्होंने रिया को छोड़ा था तो वो कैसे संभली? मतलब यहाँ पर स्मिता का कहने का मतलब है, जब आदित्य रॉय कपूर ने रिया से ब्रेकअप कर लिया था तो रिया ने खुद को कैसे संभाला था। अब आगे देखिए स्मिता ने क्या लिखा। स्मिता का कहना है कि उसी आत्मा की मदद से रिया ने खुद को संभाला था जो कि रिया के साथ रिया के शरीर में हमेशा रहती है। स्मिता ने लिखा, एक औरत कितनी गिरी हुई हो सकती है? रिया, तुमने खुद ने ये कहानी कितनों को सुनाई है? क्या एक खतरनाक इंसान खुलेआम घूम रहा है और क्या इन्हीं आत्माओं की बातों में सुशांत को फंसाया गया? क्या रिया को जानबूझकर कुछ लोगों ने ऐसी आत्माओं वाली बात कहकर सुशांत की लाइफ में प्लांट किया गया था? जी हाँ, ये सब बातें स्मिता ने अपने ट्विटर पोस्ट में लिखी है। अब स्मिता का दावा यहीं पर खत्म नहीं हुआ। स्मिता का ये दावा आगे और भी बेहद खतरनाक और रहस्यमय है। अब आगे जो स्मिता ने लिखा वो तो और भी हैरान करने वाला है। दरअसल इसी पोस्ट में एक यूजर ने स्मिता से सवाल पूछा कि जिस आत्मा के बारे में वो बात कर रही है वो कौन है। अब इसके जवाब में स्मिता ने लिखा, रिया अक्सर कहती थी कि उसके एक बचपन का दोस्त 17 साल की उम्र में चल बसा था। मतलब वो एक 17 साल का लड़का था और उसकी मौत हो गई थी। स्मिता ने लिखा कि रिया का कहना है कि अब वो उसके साथ रहता है, उसके आसपास रहता है और कई बार उसके शरीर में भी रहता है और ये बेहद दुख की बात है। जी हाँ, स्मिता ने यूजर को जवाब देते हुए लिखा कि एक 17 साल का लड़का चल बसा था जो कि रिया का दोस्त था और वो रिया के साथ, रिया के आसपास और रिया के शरीर में भी रहता है। वैसे स्मिता की आदित्य रॉय कपूर की अफेयर की खबर पर तो कॉल डिटेल्स में भी सामने आया था। आपको याद होगा कि सुशांत की मौत के बाद रिया की कॉल डिटेल्स की जांच की गई थी। तब उनके रिकॉर्ड में आदित्य रॉय कपूर का नाम सामने आया था जिन्हें रिया ने 23 बार कॉल किया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक रिया और आदित्य रॉय कपूर को 2012 से 2014 के बीच कई बार साथ देखा गया था। अब इसी पर स्मिता का दावा है कि सुशांत से पहले रिया और आदित्य अफेयर में थे और आदित्य ने रिया को छोड़ दिया था और रिया ने अपने उस दुख में खुद को उस आत्मा के जरिए संभाला था।
अब यहाँ तक तो सब ठीक है। हो सकता है कि आदित्य रॉय कपूर से रिया का रिलेशन रहा हो, मगर ये आत्मा वाली बात बेहद हैरान करती है। स्मिता की बातों से साफ है कि रिया ने ऐसी ही आत्मा वाली बातें कहकर सुशांत को बहकाया होगा। सुशांत को बेहोश करने के लिए नशे की दवाइयाँ दी गई होंगी, मतलब सुशांत को पूरी तरह अपने वश में कर लिया गया होगा। ये बात तो खुद रिया ने एक इंटरव्यू में भी कही थी कि सुशांत को पुराने वाले घर में डर लगता था, वो किसी और के होने की बात कहता रहता था। तो अब स्मिता की बातों से जो अंदाजा लगाया जा सकता है वो साफ है कि रिया ने ही 17 साल के लड़के को लेकर कहानियां सुनाई होगी और उसी 17 साल के लड़के की आत्मा को लेकर सुशांत को डराया गया होगा, धमकाया गया होगा। हमें नहीं पता कि स्मिता की इन बातों में कितना दम है और हम स्मिता की इन बातों की पुष्टि भी नहीं करते, मगर एक बात जो समझ में आ रही है वो ये है कि सुशांत को कितना तड़पाया गया होगा, सुशांत के साथ कितना घिनौना और कितना गलत किया गया होगा। तो आपको क्या लगता है, क्या स्मिता सच बोल रही है? क्या सच में रिया चक्रवर्ती के शरीर में 17 साल के लड़के की आत्मा रहती है जिसके जरिए वो अपने अच्छे और बुरे दोनों काम करती है? क्या सुशांत की मौत के पीछे भी ऐसी ही किसी आत्मा या हैवान का हाथ हो सकता है? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें। मुंबई नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, जिसने हाल ही में एक 21 साल की लड़की को रक बेचने के मामले में गिरफ्तार किया था, उसे कोर्ट ने 5 दिन की एनसीबी कस्टडी में भेज दिया। इस दौरान एनसीबी ने इस लड़की को लेकर कई बड़े और अहम खुलासे किए हैं। जांच में पता चला है कि लड़की अपने गैंग के लोगों को समीर वानखेड़े पर नजर रखने के लिए बोलती थी ताकि अपने धंधे को सही सलामत रखा जा सके। इतना ही नहीं, ये लड़की हर उस शख्स पर भी नजर रखती थी जो पुलिस या फिर एनसीबी के लिए खबरी का काम करता था, और पता चलने पर उसे फोन कर धमकी भी दी जाती थी। इस आरोपी, जिसे डोंगरी का डक क्वीन बताया जाता है, उसका नाम इकरा कुरैशी है, जो कि अपने धंधे की तरफ किसी नारकोटिक्स के अधिकारी के नजर तो नहीं है, ये जानने के लिए एनसीबी की ही जासूसी करवानी शुरू कर दी। हालांकि अब तक आपने सुना होगा कि डक पेडलर को पकड़ने के लिए पुलिस उनकी जासूसी करती है, अपने लोगों को उनके बीच में या उनके इलाके में भेष बदल कर घूमने के लिए कहती है, मगर यहाँ पर सब कुछ उल्टा था। एनसीबी के अधिकारी ने बताया कि इकरा खुद भी और उसके लोगों को एनसीबी के ऑफिस में काम करने वाले इंटेलिजेंस ऑफिसर और खुद समीर वानखेड़े पर नजर रखने के लिए बोलती थी, और एनसीबी के ऑफिस के आसपास अपने लोगों को भेष बदल कर घूमने के लिए भी कहती थी। एबीपी की रिपोर्ट माने तो यहाँ पर इकरा उसके लोगों ने ये पूरा पता लगा लिया था कि समीर वानखेड़े किस दिन कितने बजे ऑफिस आए, कितने बजे ऑफिस से निकले और कब अपनी टीम के साथ कहाँ रेड मारने गए। एनसीबी को जब इस बात का शक हुआ तो अपने ही ऑफिस के आसपास का सीसीटीवी फुटेज चेक किया और पाया कि ये लड़की और इसके गुर्गे तो एनसीबी पर ही नजर रखे हुए हैं। अब आपको बताते हैं कि आखिर ये इकरा कैसे एनसीबी के हाथ लगी। तो जांच के दौरान एनसीबी को पता लगा कि सोनू पठान और एजाज साइको से इकरा अपने ग्राहकों के लिए रख खरीदती है। उसके कई ग्राहक बॉलीवुड के स्टार्स हैं और मुंबई के हाई प्रोफाइल क्लब में आने वाले लोग भी शामिल हैं। इकरा का नाम सबसे पहले तब आया जब एनसीबी ने दाऊद की गैंग से जुड़े रग माफिया चिंकू पठान को गिरफ्तार किया, और तब से ही इकरा की तलाश जारी थी। एबीपी की रिपोर्ट के मुताबिक इकरा का नेटवर्क सीएसटी चर्चगेट से लेकर बांद्रा तक फैला हुआ था। इकरा हमेशा इस बारे में ध्यान देती थी कि कोई उसकी खबर एजेंसियों को ना दे, और पता चलने पर उस खबरी को धमकी भी देती थी। समीर वानखेड़े ने बताया कि हाल ही में उनकी एक टीम ने डोंगरी इलाके में छापेमारी कर इकरा कुरैशी को गिरफ्तार किया था और उसके घर से 52 ग्राम MD ड्रग बरामद हुआ। इकरा के खिलाफ एनसीबी में 2 मामले पहले से दर्ज हैं और दोनों ही मामलों में लंबे समय से वांटेड थी। एनसीबी के अधिकारियों ने बताया कि इकरा कुरैशी ड्रग बेचने के लिए बड़ा ही शातिर तरीका इस्तेमाल करती थी ताकि उसे कोई पकड़ ना सके। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।